हेलो बच्चों, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट साइंस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1.4। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्मॉल एंड बिग एनिमल्स के बारे में। कुछ एनिमल्स स्मॉल होते हैं और कुछ बिग होते हैं। स्मॉल एनिमल्स में रैट, रैबिट, कैट, डॉग, टर्टल भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। कुछ आपने अपने मन से भी लिखा होगा। नेक्स्ट बिग एनिमल्स है एलिफेंट, टाइगर, जिराफ, क्रोकोडाइल, ये सब बिग एनिमल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था कि एनिमल्स सभी जगह पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ की जानवर नहीं पाए जाते हैं, चाहे वह फॉरेस्ट हो, माउंटेन्स हो, डिजर्ट हो, सीज हो या ओशियंस हो, हर जगह एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने इसे याद भी कर लिया होगा, लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन है? अफ्रीकन एलिफेंट। नेक्स्ट लार्जेस्ट वाटर एनिमल कौन है? ब्लू व्हेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लार्जेस्ट टॉलेस्ट एनिमल्स यानी कि सबसे बड़ा एनिमल कौन है? जिराफ। लार्जेस्ट बर्ड सबसे बड़ा पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच, ठीक है। उसके बाद शेप के आधार पे आपने पढ़ा था सम एनिमल्स आर लॉन्ग कौन सा है? स्नेक। नेक्स्ट है सम एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी यानी कि धारा रेखीय शरीर होता है किसका? फिश का, मछली का। नेक्स्ट है हॉलो बोन्स एंड फीडर्स, कुछ जानवरों के क्या होते हैं? हॉलो बोन्स यानी खोखले हड्डी होती है तो वह किसका है? बर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट है सम एनिमल्स आर फाउंड इन पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ जानवर पाए जाते हैं जैसे पेंगुइन और पोलर बियर, ठीक है। उसके बाद आपने लीग्स एंड टेल्स पढ़ा था यानी कि पैर और पूंछ। यह जो है पैर और पूंछ, यह जानवर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यह किस चीज़ में हेल्प करता है? चलने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग भी पैर से चलते हैं ना, उसी प्रकार जानवर भी, छोटे जानवर या बड़े जानवर अपनी पूंछ से, अपने पैरों से चलते हैं और पूंछ की सहायता से क्या करते हैं? डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे। यह अपनी बॉडी को बैलेंस भी करते हैं। सम एनिमल्स विच हैव टू लेग्स, कुछ जानवरों के दो पैर होते हैं जैसे ह्यूमन, बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, जैट, वल्चर। इसके कितने पैर होते हैं? दो पैर। सम एनिमल्स विच है फोर लेग्स, कुछ जानवरों के चार पैर भी होते हैं जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, टाइगर, लायन, जिराफ, बियर, उनके चार पैर होते हैं। नेक्स्ट है सम एनिमल्स विच है मोर देन फोर लेग्स, कुछ जानवरों के चार से ज़्यादा पैर होते हैं, बी, बटरफ्लाई, क्रैब, स्पाइडर, ग्रास हॉपर, कैटरपिलर, इनके टू पैर्स होते हैं। कुछ जानवरों के कोई पैर नहीं होते हैं जैसे कि स्नेक और वर्म्स। स्नेक मीन्स सांप और वर्म्स मीन्स कीट, ठीक है। नेक्स्ट है टेल। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? लेग्स एंड टेल्स। सबसे पहले आप एक और चीज़ जानिए कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, पता है? 206, 206 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से हमारे लेग्स में 26 बोन्स पाए जाते हैं, 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और हाथों में 27, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है यानी कि लार्जेस्ट बोन जो होता है हमारा, कहाँ पाया जाता है? पैर में। सबसे बड़ी हड्डी पैर में पाई जाती है यानी कि जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, उसको हम लोग फीमर भी बोलते हैं। याद रखेंगे आप कि हमारे बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206। लेग में कितनी है? 26। हैंड में कितनी है?
27, ठीक है। और सबसे बड़ी बोन यानी कि लार्जेस्ट बोन बॉडी की कौन सी है? जांघ की हड्डी होती है, थाई का बोन होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, टेल इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी। पूंछ जो है वह भी जानवरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसका उपयोग वे डिफरेंट पर्पज से करते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न उद्देश्यों से करते हैं। जैसे डॉग्स यूज देयर टेल्स फॉर एक्सप्रेस इमोशंस, कुत्ता अपना इमोशन यानी भावना को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए अपने टेल का यूज करता है। सम एनिमल्स यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देयर बॉडी लाइक कंगारू एंड स्क्वायरल। कंगारू और स्क्वायरल अपना, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, अपना टेल किस लिए यूज करते हैं? बॉडी को बैलेंस करने के लिए। फिश एंड बर्ड्स यूज देयर टेल टू चेंज डायरेक्शन इन वाटर एंड एयर रिस्पेक्टिवली। फिश मीन्स मछली, बर्ड मीन्स पक्षी, वे अपना पूंछ किस लिए यूज करते हैं? फिश अपना टेल यूज करती है वाटर में यानी जल में किस लिए? डायरेक्शन को चेंज करने। बर्ड भी अपना डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, लेकिन एयर में, हवा में, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रीप क्रॉल एंड फ्लाई। पर यू हैव सीन सम स्मॉल एनिमल्स फ्लाइंग और क्रॉलिंग नियर अबाउट द हाउस एंड गार्डन। आपने अपने घर पे या अपने बगीचे में या अपने आसपास में भी देखा होगा कि कुछ जानवर जो है वह उड़कर या कुछ रिंग करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपने देखा है कुछ स्मॉल एनिमल्स को जो फ्लाइंग करके यानी उड़ करके या रिंग करके आगे बढ़ते हैं या चलते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन है? एंट, मॉस्किटो, बी, कॉकरोच, बटरफ्लाई एट्सेट्रा। ये सभी क्या करते हैं? रेंगते हैं या फिर उड़ते हैं, ठीक है। यानी कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वह उड़ करके या फिर रेंग करके अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इंसेक्ट्स वेरी इन शेप एंड साइज। कीट जो है वह, उनका भी आकृति और आकार जो होता है वह वेरी करता है एक दूसरे से। इट हैज सिक्स लेग्स, उनमें कितने पैर होते हैं? सिक्स। एंड बॉडी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, और उनका शरीर जो है वह तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है। कौन कौन से वे तीन पार्ट्स हैं? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड को क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं। थोरैक्स मीन्स धड़, एब्डोमेन मीन्स पेट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग इसे पढ़ें और समझेंगे।